नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन सैनी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा वायु प्रदूषण के बारे में। जो वर्तमान में दिल्ली में जिस कदर वायु प्रदूषण हो रहा है, उस वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं, हमारे बच्चों पर, बुजुर्गों पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण से आप कैसे बचें और क्या उसका होम्योपैथिक इलाज है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये नॉलेज दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज जाए। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण क्या है? हमारी जो हम सांस ले रहे हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उसमें जब दूषित तत्वों की मात्रा ज्यादा हो जाती है हमारे वायुमंडल में, तो ये प्रदूषण का कारण बनता है। इसमें वाहन का धुआं, इंडस्ट्रियल धुआं, जो भी इंडस्ट्रीज धुआं छोड़ती है, अन्य जो भी कारण है, सभी महत्वपूर्ण कारण है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण तो औद्योगिकरण है दिल्ली का, बड़े शहरों का। और फिर बड़े शहरों में जो वाहन घूम रहे हैं, लाखों की संख्या में वाहन है, वो निरंतर जहरीली गैसें छोड़ रहे हैं। तो इन जहरीली गैसों के कारण हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चर्चा करते हैं। जहरीली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि, ये निरंतर गैसें वातावरण में आ रही हैं, जो हमें दमा, कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, इम्फाइसिमा जैसी बीमारियों का, और स्किन एलर्जी, और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां ये हमें दे रही हैं। तो दोस्तों, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा एक ग्लोबल चुनौती है दुनिया के सामने। दोस्तों, अगर प्रदूषण की बात करें तो WHO के मुताबिक हर साल 70 लाख लोग सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं हर साल दुनिया में, पूरी दुनिया में। हमारी पूरी दुनिया की जो आबादी है, उसका 91, इतना बड़ा भाग ऐसे क्षेत्रों में रहने को मजबूर है, क्योंकि मानक नहीं है, स्वास्थ्य मानक के हिसाब से वहाँ वहाँ की वायु दूषित है। और अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के कारण होने वाले रोग के बारे में। इसमें कैंसर, दिल का दौरा, दमा, पुरानी खांसी, एलर्जी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, स्किन एलर्जी और आंखों में कंजक्टिवाइटिस आदि बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें आपको कैसे बचना है, अगर आप दिल्ली, नोएडा जैसे एनसीआर जैसे क्षेत्र में रह रहे हैं और वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो मैं कुछ बचाव के उपाय आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, मास्क लगा कर जाए जब भी जाए। हालांकि मास्क ये बहुत छोटे पार्टिकल्स को ही रोक सकता है, जहरीली गैसों के असर को मास्क कभी खत्म नहीं करता, एक जो डस्ट पार्टिकल है उसको ये रोकता है, और जो जहरीली गैस का असर है उसको ये खत्म नहीं कर सकता। और पानी ज़्यादा पिए, जिससे बॉडी में हाइड्रेशन की कंडीशन बनी रहे। अस्थमा के मरीज अपने साथ जो भी दवाइयाँ हैं, उनकी एस्थमेटिक, एंटी एस्थमेटिक दवाई हैं, ब्रोंकोडायलेटर जो भी चल रहे हैं, वो जरूर लेकर जाएं। बच्चे और बुजुर्ग खासकर घर पर रहें, ये थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बुजुर्ग और बच्चे, इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसे वातावरण वाली स्थिति में जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो। घर पर ही अस्थमा के मरीज रहें तो ज़्यादा बढ़िया है, और ज़्यादा मरीज है बच्चों को, अगर एलर्जिक कंडीशन है, एलर्जिक अस्थमा है, तो फिर एयर प्यूरीफायर आप जरूर लगवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। खुले में व्यायाम ना करें, आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी और ज़्यादा ही प्रदूषण वाली हवा आपके फेफड़ों में जाएगी, जो कि आपकी कंडीशन को बढ़ा सकती है। और हार्ट जब ज़्यादा काम करता है, तो दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो खुले में सैर व्यायाम बिल्कुल ना करें, ऐसे मौसम में खासकर जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो, ठंडी हवा हो, ये हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती है। ये इस तरह की धूल भरी, गंदगी भरी जो डस्ट पार्टिकल जब हमारे लंग्स में जाते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिससे छाती में गड़गड़ाहट हो जाती है, छाती, हमारी जो फेफड़े हैं, नलियां स्पाज कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, हमारी आंखों में, नाक में एलर्जी हो जाती है धूल मिट्टी के पार्टिकल की वजह से, और दम घुटने जैसी स्थिति बन जाती है। तो मास्क जरूर लगाएं, पानी जरूर पिए, बच्चों को
इंडोर गेम खेलने में बाहर आउटडोर गेम बच्चे ना खेलने बहुत जरूरी है, बच्चों का ध्यान रखना। और जहां आप रह रहे हैं वहां अगर खुले में आप पानी भर दें तसले में, तो पानी जब उसका भाप बन के उड़ेगा तब तो वो डस्ट पार्टिकल को नीचे बैठाएगा, या फिर अपने घर के आसपास पानी का छिड़काव करिए ताकि डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाए, जहरीली गैसों का प्रभाव कम हो। तो ये मैंने आपको कुछ बचाव बताए हैं, आप किस तरह से बच सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर में आसपास आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हरियाली आप लगाइए ताकि आपका ऑक्सीजन का लेवल उस क्षेत्र में बढ़े। अब बात करूंगा होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो इसमें बहुत अच्छा आपको वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अस्थमा एलर्जी में बहुत अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले है पोथोस, मैं आपको दिखा देता हूँ पोथोस। पोथोस का मदर टिंचर आपको लेना, ये 200 पोटेंशियल है मेरे पास है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पोथोस फिटिडेरा। दोस्तों ये पोथोस फिटिडेरा जो दवा है ये डस्ट एलर्जी की बहुत अच्छी दवा है। डस्ट के कारण होने वाले दमा में ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देती है। डस्ट के कारण अगर हमारे नाक बंद हो जा रही है, नाक में एलर्जी हो रही है धूल मिट्टी में पड़ों के कारण, तो ये पोथोस बहुत अच्छी दवा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा जो लैरिंग्स है बोलने वाला जो हमारा यंत्र है उसमें कभी जलन हो जाती है, गले में जलन खराब हो जाती है, कफ बनने लगता है, सांस लेने में परेशानी, दम घुटने जैसी स्थिति हो जाती है, बेचैनी हो जाती है जब हमारे लक्स में बहुत ज़्यादा स्पार्म हो जाता है, पसीना आने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, घबराहट होने लगती है, छींकें आती हैं लगातार, डस्ट एलर्जी वजह से गले में दर्द होगा, छाती में दर्द हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में ये बहुत अच्छी दवा है पोथोस पोएटिडस। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ पोथोस पोएटिडस, ये इसका आप मदर टिंचर लीजिए 10 रोज सवेरे सवेरे शाम, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जब आराम मिल जाए तो इसकी 6x पोटेंसी आप लीजिए, और 6x पोटेंसी के बाद फिर आप 30 पोटेंसी इसका आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ डस्ट एलर्जी के लिए, छोटे बच्चे बुजुर्ग ये सभी में आप दे सकते हैं, इससे कोई एलर्जी नहीं होनी, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो एक दवा मैं बता रहा हूँ काली म्यूट, काली म्यूट 30 पोटेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ, काली म्यूट 30 पोटेंसी। ये जब हमारी नाक में लगातार पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं बार बार, नाक में जलन हो रही है, एलर्जी कंडीशन बन गई है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन है, जुकाम जैसी स्थिति है, नज़ला जैसी स्थिति बन जा रही है, तो इसमें काली म्यूट बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। और अगर आप पुराने दमा के मरीज हैं, आपको डस्ट से ज़्यादा दिक्कत है, तो आर्सेनिक 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं, आर्सेनिक 30 बहुत अच्छा काम करती है। एक दवा मैं बताऊंगा दोस्तों आपको दमा के मरीजों को, खासकर जो दमा के मरीज हैं उनको ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर 10 रोज सुबह से बैठता हूँ देना है, बहुत अच्छा करते हैं जो दमा के मरीज हैं। और जिनको दमा हृदय रोग की वजह से है, उनके ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ऐसे लोग को एसिडोस्पर्मा मदर टिंचर लेना चाहिए। एसिडोस्पर्मा मदर टिंचर बहुत कारगर और भी है, जिनको दिल के रोगों के कारण दमा है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों डस्ट वाले दवा में पोथोस बहुत अच्छा काम करती है, मैंने आपको मेडिसिन बताई। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और सभी दिल्ली वाले जो भी नागरिक हैं सभी के ये मोबाइल में ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए।